दूर से नमस्ते एपिसोड 4 जल्द ही ठीक हो जाओ नायरा। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। इस महामारी में तुम जैसी टीचर्स ना बहुत अच्छा काम कर रही है। रुकिए मैं देखती हूँ अभी इसको। FCI का वो सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से आपने बेरहमी से अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया था। विशु, पहले चाय पियो। हाँ, नौटंकी कहीं का। तौलिया कौन सुखाएगा? अरे मत तौलिया, ये तो आप सुखा दो जाके। मार खाएगा भी, जा सुखा। जा रहा हूँ। क्या करूँ यार, घर तो चारों तरफ से बंद है। सीढ़ी। अरे रुकिए, कोविड का टाइम चल रहा है, विजिटर को अलाउड नहीं है। काम क्या है? मेरी बहन नायरा शर्मा आपके इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। किस वार्ड में है वो? नायरा शर्मा, आपके यहाँ पर एक नर्स है मरियम, आप उनको फोन नहीं लग रहा, उनको बुला दीजिए प्लीज। गीत मरियम दी। अरे पांडे जी, उनको आने दीजिए। एक मिनट, ये लीजिए, थैंक यू। मरियम दी, नायरा कैसी है? काम डाउन, वो ठीक है अभी। और उसे लेकर कौन आया यहाँ पे? विशु,
विशु देखा, इसलिए तो मेरा यार मोहल्ले का हीरो है। गीत, बच्चा अगर घर के अंदर है तो बाहर से ताला लगाकर कौन जाता है? आई नो, ये गलती हो गई है सबसे। हेलो। हाँ पापा। हाँ गीत बेटा, हमने ऑटो मंगाया है, बस एक बार ऑटो आ जाए तो हम आ जाते हैं वहाँ पे बेटा। पापा आप लोग यहाँ मत आइए हॉस्पिटल में, आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है और हॉस्पिटल में आना अलाउड भी नहीं है। हम लोग हैं ना यहाँ पे सब। कौन है तेरे साथ? मेरे साथ मरियम दी है और चॉकलेट है और विशु। विशु ही नायरा को यहाँ पर लेकर आया। विशु, भगवान भला करे उसका। अच्छा सुन, जो भी बात हो ना हमें खबर करती रहे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। मैंने आप इसलिए कहा था कि ताला लगाकर नहीं जाते हैं भैया। हो गई वही गलती, हो गई, मगर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गीत है ना वहाँ पे? गीत, चलो हम बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं ना। हाँ। जीत गया तुझसे ये विशु का बच्चा। दिल तो कह रहा है कि थैंक यू कह दूं। विशु, चॉकलेट कुछ नहीं, बस यहीं पे रहना, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक गॉड कि नायरा ठीक है अभी। नहीं, गॉड के साथ साथ विशु को भी थैंक यू करना चाहिए। विशु भी तो थैंक यू का हकदार है। थैंक यू किस बात का मरियम दी? क्या नायरा विशु की कुछ नहीं लगती है क्या? पूरा आदर्श मोहल्ला जानता है कि नायरा और विशु की बॉन्डिंग कैसी है। आप नहीं जानती क्या? हाँ पता है मुझे। हाँ तो फिर आपको पता है, सबको ये लगता है कि नायरा मेरी नहीं बल्कि विशु की बहन है। तो थैंक यू मैंक यू कुछ नहीं, फर्ज बनता है उसका। अच्छा गीत, तुम मानो या ना मानो पर विशु है तो दिल का राजा। क्या दिल का राजा? दिल का कोई राजा बाजा नहीं है, वो ढोंग रचता है आप सबके सामने, और आप सबके सब लोग ना उसकी चुंगल में फंस जाते हो। बस मैं नहीं फंसने वाली उसकी चुंगल में। गीत दीदी, ठीक है ना ये? चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। मरियम जी, नायरा कैसी है? अब ठीक है नायरा। अच्छा ये फल मुझे दे दो, और तुम लोग बाबा नायरा के कमरे में नहीं जा सकते क्योंकि वो डिस्टर्ब होगी। तुम दोनों वहाँ बैठोगे बिल्कुल चुपचाप, और ये हॉस्पिटल है मोहल्ला नहीं, तो तुम दोनों एक दूसरे का गला मत दबा देना। ठीक है, आप जाओ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? अमन की मिस कॉल आई हुई है। अब नायरा के बारे में परेशान हो रहा होगा, उसको फोन कर देती हूँ मैं। उसे बोल दो कि विशु इधर है,
किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी तरकीब ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वो क्या है तेरा हीरो बनने का वायरस? तू नायरा को भी इसलिए लेकर आया ना कि तुझे मोहल्ले का हीरो बनना है। बनना है? ओ मैडम, तेरा ध्यान किधर है? मोहल्ले का हीरो इधर है। मैं अमन को फोन करती हूँ। अरे चाचा, सब जानते हैं हम, वैक्सीन लेने से आदमी पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अच्छा, क्या? अरे, संतान पैदा करने की क्षमता खो जाती है। अच्छा बटुक, ये बताओ कि ये परम ज्ञान तुम्हें मिला कहाँ से? अरे हम बेवकूफ नहीं है। आप 100 बार भी कहोगे बोलने को तो मैं यही कहूंगा कि मैं अपने बेटे बटुकनाथ को कोविड का वैक्सीन नहीं लेने दूंगा। अरे एक तो वैक्सीन लेना है मुझे ताकि मैं निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी, नौकरी, घूमना फिरना फिर से शुरू कर सकूं, और दूसरी बात, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो कंपनी वाले मुझे नौकरी नहीं करने देंगे। तो क्या कंपनी वाले गारंटी देंगे? हमारे दूध की बेशक कोई गारंटी ना हो, लेकिन वैक्सीन की पूरी गारंटी है, समझे तुम? अरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर वैक्सीन तैयार की है। और एक बात बताओ मुझे, अपने बेटे को तुमने जब ये छोटा था पोलियो का इंजेक्शन लगाया था कि नहीं लगवाया था? हैं, तब कैसे विश्वास कर लिया था तुमने? मैं कहता हूँ कि वैक्सीन बिल्कुल सही है। बटुकनाथ, इस जड़ी बूटी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। अरे गारंटी तो चाहिए, और एक दो लोगों ने नहीं लिया वैक्सीन तो क्या बवाल हो जाएगा? शर्म कर हलवाई, शर्म कर। तेरा बेटा इतना अच्छा बोलता है, तू नलायक की तरह क्यों बोलता है? अरे चिंता जी, बनवारी जी, बस कीजिए। अरे गूगल चाचा, पिताजी को अच्छे से पता है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब इसी कंपनी ने कितना साथ दिया था मेरा, मुझे समय पर पूरी सैलरी दी थी, और अब जब वो वैक्सीन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो पिताजी अड़चन पैदा कर रहे हैं। देखो बटुक, बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद दिन रात एक करके ये वैक्सीन तैयार हुए हैं, पूरी दुनिया में लग रहे हैं, और अपने देश में पहली और दूसरी डोज को मिला के तकरीबन 200 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं। अरे अब तो बूस्टर डोज भी आ गया है, और तुम इस वैक्सीन पे डाउट कर रहे हो? अरे पिछले महीने ही एक लेडी आई थी मेरे क्लिनिक में इंजेक्शन लगवाने के लिए वैक्सीन का, साथ में पति भी आया था, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। लेकिन कुछ लोग है यहाँ पे गधे। ए, गधा किसको बोला? अरे बोलने की क्या जरूरत है, मालूम है सबको गधा। किसको मालूम है? कौन है गधा? मालूम है सबको। बोलो कौन है गधा? अरे किसी को कौन है गधा बोलो। अरे लोग, आप लोग यहाँ मत शुरू कीजिए प्लीज। देखो बटू, इन गलत फहमियों से बाहर निकलो। वैक्सीन है आपका दोहरा सुरक्षा कवच, ये पूरी तरह से सुरक्षित है और करोड़ों लोगों का विश्वास है इस पे। आप यूं समझ लो कि ये वरदान बन के आया है, और वरदान ही तो है, तभी तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद धीरे धीरे ही सही, लेकिन पटरी पे वापस गाड़ी आ रही है ना। लेकिन जब ये मास्क लगा ही रहे हैं ना, तो फिर क्या जरूरत है वैक्सीन की है? एक के बिना दूसरा अधूरा है बटुक। कोविड अनुरूप व्यवहार और वैक्सीन दोनों जरूरी है। बात बने तभी, वैक्सीन के साथ हो नियम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल चाचा सबको ये समझाने में व्यस्त है कि वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन सेफ है और जरूरी भी। बेंची, 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 बेंची। हेलो बेंची, 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 बेंची। सुने 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 सुने, अब वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय है? वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो ही रहा है, तो फिर वैक्सीन लगाने का फायदा क्या है? ऐसा नहीं है मैडम, आप शायद अपनी जगह सही होगी, पर मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, और अब बूस्टर डोज भी, क्योंकि विशु भैया कहते हैं बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक। बिल्कुल सही कहा सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वैक्सीन को लेकर यहाँ लोगों के मन में अलग अलग राय है, लेकिन अब समय आ गया है कि उनके मन से ये डर निकाला जाए कि वैक्सीन से ऐसा वैसा कुछ भी होता है। लेकिन हाँ, याद रहे, वैक्सीन के दोनों डोज और समय समय पर बूस्टर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन है आपका डबल सुरक्षा कवच। पापा, डॉक्टर ने बोला है कि नायरा की हालत पहले से बेहतर है, और शायद कल उसको डिस्चार्ज कर दे। चलो मान लेते हैं, लगवा ले बेटा मटुक।
तू लगवा ले वैक्सीन। अरे बनवारी जी, बटुक मान गया, अब ना आप दोनों भी मान जाइए और अपनी ये बरसों पुरानी लड़ाई ना बंद कीजिए, फिर से एक हो जाइए। नहीं नहीं चलो, वैक्सीन सुरक्षा कवच है ये तो मैंने मान लिया, मैं ले लूंगा वैक्सीन, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये देखो आ गया। चिंता मनी जी, अब कैसी चिंता, बटुक मान गया। वो तो ठीक है, लेकिन नायरा हॉस्पिटल में है वो। क्या हुआ उसको? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? अरे आप लोगों को इतना भी पता नहीं कि कोविड के दौरान हॉस्पिटल में मिलने जुलने का, विजिट का प्रोटोकॉल है, नियम है। और चिंतामणि जी कह रहे हैं नायरा बिल्कुल ठीक है, कल घर आ जाएगी वापस। चलो भाई, अपने अपने घर जाओ, काम वाम करो अपना, मैं भी चलता हूँ। चलो 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 अपने घर जाओ। देख डॉक्टर, प्याल से बोल रहे चल ले, वरना बहुत दूला होगा। जेके भैया नाम तो सुना होगा ना, है? जेके भैया का नाम? जेके भैया? कौन जेके भैया? मैंने तो नहीं सुना। डॉक्टर, डॉक्टर, जेके भैया का नाम नहीं सुना? हाँ, जेके भैया को पता चलेगा तो आपको बहुत मारेंगे। चलो, नहीं जाओगे तो माल खाओगे और जाओगे तो इनाम पाओगे। वाह भैया, का गजब बोले हैं, मतलब एकदम से जान से जाओगे क्या? मतलब एक बार भैया रिपीट रिपीट बोलो। अच्छा बोलता हूँ, पकड़ इसको अच्छे से। ठीक है भैया, पकड़ लिए, पकड़ ले सारे को। देख, नहीं जाएगा तो माल खाएगा। इसको, इसको नहीं जाएगा तो माल खाएगा और जाएगा तो इनाम पाएगा। सुनो, हमारा साथी एक बीमार है, तुम्हें उसका चल के इलाज करना है। भैया कैसा बोले? बहुत बढ़िया, गाल गाल ऐड कर लो। हाँ सुनो, घर पे हमारा एक साथी बीमार है, उसका इलाज करना है, ठीक है? चल चलो, गाल चलो। इलाज करना है तो भाई उनको यहाँ ले आओ। देखो हमारे सफल का ध्यान मत लो। मत तो लो, मत तो लो, कितनी बार बोलो। मम्मी। भाई मक्खन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तो सोचो। हे तुम तो वही हो ना, जैसे भैया टॉम एंड जेरी। पहले मेरा दर्जी, फिर यहाँ पे डॉक्टर। मम्मी पता है ना कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उनकी टांग खींच रहे हो तुम। मम्मी देखो। क्या देखो? क्या देखो? क्या देखो? क्योंकि हम महिला का सम्मान करते हैं, हाँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं, हाँ, कि हाँ, कि आप हमारे काम में दखल देंगे। देखो बेटा, प्यार से समझा रहे हैं, उछलो मत हमारे सामने, निकलो यहाँ से चुप करके। धमकी? हाँ धमकी। भैया निकलो, निकलो। अरे जा रहे दीदी, जा रहे दीदी। को भी लेके आएंगे तुम, एक सेकंड, तुमको हम बताते हैं। ओ कहाँ भाग रहे हो, एक मिनट रुको, तुमको हम बताते हैं। धमकी लेके जाओगे हमको? हाँ रोहित, रोहित आपने रोहित को देखा, तो छोटा सा पिंक यूनिफॉर्म पहनी है उसने। हाँ रोहित, 10 साल का है मेरा रोहित, नहीं मिल रहा है। आपने देखा है उसे? पिंक यूनिफॉर्म पहनी है उसने। आप यहाँ बैठिए, बहुत देर से नहीं मिल रहा है। अरे पर ऐसे कैसे चला गया वो, पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही हूँ उसको मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, यहीं के अस्पताल में होगा, मिल जाएगा। उसके हाथ से मोबाइल ले लो तो बहुत गुस्सा आ जाता है उसे, कोविड के बाद एकदम बदल गया, बहुत गुस्सा हो गया वो, मिल ही नहीं रहा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपका रोहित यहीं कहीं होगा, हम ढूंढते हैं ना उसे। मरियम दी, आप एक काम कीजिए, आप ना इनको लेके जाइए और सीसीटीवी चेक कीजिए, हम यहीं पर देखते हैं। सही बोलियो, चलो आप जाइए, चलते हैं, आप जाइए।
रोहित, अरे गया कहाँ? यहाँ नहीं है, वहां देखते हैं हम। रोहित, रोहित, हेलो, एक हग, नो हग नो स्माइल। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपका फोन चाहिए। फोन? फोन तो नहीं है। फोन यहाँ ही है, मैंने देखा था। पिलो के नीचे। नहीं है। एक और मैजिक देखोगे? हाँ। वो लाओ। लो। देखो, अब मैं इसे छोड़ूंगी ना तो ये गिरेगा नहीं। 1, 2, 3 मैजिक। वाओ। ओ रोहित, रोहित तुम इधर हो, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हैं। नायरा कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मरियम दी, रोहित नायरा के रूम में, आप यहीं पर आ जाइए। जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस फोन लेने आया था, मेरे को कार्टून देखने है। सॉरी मम्मा। कोविड का अलग ही असर पड़ा है बच्चों पर। दिन भर खेलना कूदना सब बंद, बस दिन भर स्मार्टफोन पे कार्टून। दो कमरे का घर है हमारा, रोहित के पापा का वर्क फ्रॉम होम है तो दिन भर लैपटॉप खुला रहता है, इसकी बहन के ऑनलाइन क्लासेस और इसके भी। तब तो फिर आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना? अरे पूछो मत, सबके लिए अलग अलग फोन का इंतजाम करना। फोन तक तो मामला फिर भी ठीक था, अब इतने छोटे से घर में सबके लिए अलग अलग बैठने की जगह कहाँ से लाऊं? और ऐसे में अगर मेरे छोटे बेटे ने हल्ला कर दिया तो फिर तो हो गई मीटिंग। तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करा करो ना फिर इसके साथ। इनके पास टाइम हो स्पेंड करने के लिए तब तो ये टाइम स्पेंड करेंगी ना। वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे सारी हाउस वाइव्स ऑफिस बॉय की तरह चाय पकौड़े बनाने में बिजी रहती थी, है ना? कोई बात नहीं, और अब तो वैसे भी सारी स्कूल और ऑफिस सब खुल गए हैं ना, तो अब बच्चों को पहले की तरह नॉर्मल रूटीन में ले आइए। हाँ, और इसका बहुत ही सिंपल फंडा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खुलो मिलो, उनसे पूछो कि बेटा क्या होमवर्क दिया है तुम्हें। और आपने तो कहा ना कि इसके दादा दादी आप लोगों के साथ ही रहते हैं, तो आप उनकी भी तो हेल्प ले सकती हैं, मतलब मोबाइल से अलग उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे बच्चे। देखिए, आप भी खुद ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए और ना ही इसमें अपनी गलती ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर वो ना भी कुछ करे तो बस उसे अपने घर के कामों में साथ रखिए। देखिए बच्चों को कितना मज़ा आएगा, और वो सारी चीज़ें यूं कर देंगे, ऐसे ही सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बता रही हूँ आपको, आपको किसी भी फैंसी खिलौने की ज़रूरत नहीं है। घर की रसोई, घर का बजट, घर को चलाना, ये लाइफ के ना आपको कई पाठ चुपके से सिखा देता है। और आपको पता है, बच्चों को डांटने से मारने से सिर्फ नुकसान ही होता है, भला किसी का नहीं होता। मार और डांट की पुरानी दास्तान, तुझसे ज्यादा और कौन सा? बिल्कुल सही बोला तूने। क्लोज्ड।
चिंटू जी, क्या बात है? बाहर दरवाजे पर क्लोज्ड लिखा है और यहाँ आप चेयर पर पसर कर बैठे हैं। उदास हैं क्या चिंटू जी? मंजू जी, आपको मैं खुश नजर आ रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहे हैं तभी तो, पर क्यों? वैसे नायरा अस्पताल से घर आ रही है और उसका बर्थडे भी है, तब तो खुश हो जाइए ना चिंटू जी। अपना बर्थडे ऐसे वक्त मना रही है जबकि कोविड फैला हुआ है, खुश कैसे हो जाऊं? चिंटू जी, आप खुद ही कहते हैं ना कि सबको न्यू नॉर्मल में ढलना चाहिए, फिर सब लोग एक दूसरे के साथ संभल कर अगर एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? वो अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला रही है। चिंटू जी, ये भी तो सोचिए ना, बच्चों ने कितने समय से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट नहीं किया है। अरे अगर बच्चे ही होते तो बात समझ में आती, लेकिन बच्चों की पार्टी में उस मोटे हलवाई का क्या काम बनवारी का? तो असल मामला बनवारी जी का है। और तो क्या हो, क्या कभी नहीं नायरा का मन होगा अपने बनवारी अंकल को बुलाने का, और वैसे भी बाहर ही कर रहे हैं ना, तो वहां तक तो आ ही सकते हैं। घर के अंदर आने के लायक भी नहीं है वो, घर के बाहर है तो ठीक है। वैसे अपनी नायरा है सबकी लाडली, बहुत प्यार करते हैं उससे बन्नू जी, आई मीन बनवारी लाल, मेरा मतलब बनवारी लाल बेटर। अच्छा आप खुश हो जाइए। और ये क्या रखा है टेबल पे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ओ चिंटू जी, क्यों छुपा रहे? ग्रीटिंग कार्ड नायरा के लिए, जैसे मेरे लिए बनाते थे। हाँ मगर पता नहीं उसे अच्छा लगेगा या नहीं। क्यों अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मंजू जी जमाना बदल गया है, आजकल मोबाइल पे हर चीज हो जाती है, पता नहीं उसे ये पुराना स्कूल पसंद आएगा कि नहीं। चिंटू जी, नायरा छोटी छोटी बातों की बहुत वैल्यू करती है, उसे जरूर पसंद आएगा। चिंतामणि जी। हाँ जी। एक मिनट, हाथ आगे लाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? देखिए डॉक्टर साहब, सुबह से ही उल्टी किए जा रही है, पता नहीं क्या खा लिया इसने। अरे बिस्सू के पापा, 11 बज के आपका फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन तो मेरे पास है, लेकिन आज आप लेट हो गई। मैं जरा अंदर उलझ गई थी। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। चाहे सूरज बादलों में छुप कर आने में लेट हो जाए, पर ठीक 11 बजे इन दोनों का फोन बाहर आता है और दोनों लग जाते हैं अपना सोशल धर्म निभाने। गुड मॉर्निंग के फॉरवर्ड्स, चुटकुले, नुस्खे, उपाय वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये सुनिए, माँ बेटे से, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा पढ़ रहा हूँ। माँ वाह क्या पढ़ रहे हो बेटा? बेटा आपकी होने वाली बहू के मैसेजेस। अरे ये देखिए, ये एक नया नुस्खा आया है पेट के अल्सर को ठीक करने का, आप देखिए। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, भेजो भेजो सबको भेजो भेजो। वो हमारे पड़ोस वाली चाची है ना, उसे इसकी भयंकर तकलीफ है बिचारी को, बहुत परेशान है, उसको तो मैं सबसे पहले भेजती हूं। भेजिए भेजिए, इस बात का सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है सही है बनवारी। अरे ओ बनवारी जरा बाहर आ। ओ जड़ी बूटी वाले, क्या तमाशा कर रहा है तू? ओए हलवाई घटिया बर्फी बेचने वाले, ये नई बीमारी क्या स्टार्ट हो गई है? व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है? अरे व्हाट्सएप मैसेजेस, ये ग्रुप, ये मेरा पर्सनल मामला है। तेरा पर्सनल मामला नहीं है, सबका मामला है। तेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के कारण जो तूने फॉरवर्ड किया, उसके कारण बेचारी को उल्टियां ही उल्टियां हो रही है सुबह से। अरे पिंकी जी, ये खुशखबरी कहाँ से? ये क्या बात कर रही है? ना ना ना, ये कोई खुशखबरी नहीं है जी, मैं बताता हूँ इसको, कोई खुशखबरी नहीं है, ये तुम दोनों की करतूत है। जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था ना, वही उल्टियाँ हो रही है इसको। ठहरिए मुझे बात करने दीजिए। नहीं जी मैं बात करता हूँ इनसे। अरे भैया रुक जाइए ना, गूगल चा ओहो प्रेम नारायण जी को बात तो करने दीजिए। कीजिए बात प्रेम नारायण जी। देखिए बनवारी जी,
आपको ये समझना होगा कि ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस पे विश्वास नहीं करना है। आपको पता है कोविड के दौरान कितने ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हुए जिन्होंने आम आदमी के ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल दिया? और फेक वीडियोस, फेक मैसेजेस, इनके कारण लोगों को कितनी परेशानियां हुई है वो आपको मालूम है। और आप लोग भी, अरे भरोसेमंद वाली जो जगह है वहां से जो मैसेजेस आते हैं उन पे विश्वास कीजिए ना। देखिए अब जरूरी तो नहीं ना कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं वो सही ही हों। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अब जैसे अगर मैं डाल दूं व्हाट्सएप पे मैसेज कि आप गधे हैं, ए, बनवारी गधा है, तो क्या आपको लगता है लोग मान जाएंगे? उल्लू सीधा मत कर। अरे उल्लू क्या सीधा करना, गधे को गधा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आप लोग शांत हो जाइए। आपको मैसेजेस भेजने हैं ना, आप भेज, लेकिन वो सही है या गलत वो देखने के लिए आप स्वास्थ्य मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और वहां पे तो हर भाषा में ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। आरोग्य सेतु ऐप है जो सबसे मेन ऐप है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने सोशल साइट्स है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा वायरल वीडियोस होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो सही है या गलत वहां उनकी भी सच्चाई बताई जाती है वहां पे। हाँ, और अगर आपको किसी मैसेज पे शक हो तो आप वहां भेजकर उनसे पता करवा सकते हैं वो सच है या नहीं। और हमने तो अस्पताल में, मेडिकल लाइन में इतनी परेशानियां झेली पिछले दिनों में, कभी किसी इंजेक्शन को लेके तो कभी ऑक्सीजन को लेके इतना हंगामा हो जाता था कि लोग खुद के घर में ही स्टोर करने लग जाते थे, फिर ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी दवाइयों का शॉर्टेज हो जाता था। काफ़ी नुकसान होता है इन फॉरवर्डेड और वायरल मैसेजेस से। अरे भाई, चुटकुले भेजिए, हालचाल पूछिए, ये सब कीजिए ना। आपको पता है गलत न्यूज़ और अफवाह फैलाने वाले को जुर्माना और जेल भी हो सकती है। चलिए आप माफ़ी मांगिए चिंतामणि जी से, क्योंकि इनकी वजह से इसको थोड़ा आराम हुआ है। ठीक है मान लिया। ठीक है एहसान कर रहा है इस बात पे भी। चल यार। अरे ये नहीं समझेगा जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप ये बात समझ गए ना। बताइए। मक्खन और ढक्कन ने अस्पताल में हुए गीत के अत्याचार का पूरा वर्णन जेके भैया से किया, और इस बार तो भैया बुलबुला गए हैं और ठान लिया है कि मैडम को दर्शन दे ही आए। बसंती जी, भैया जी, गाड़ी निकालो। चलिए। थैंक यू अंजलि, जो तुम यहाँ पर आ गई। मैं एक्चुअली बुआ और पापा को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहती थी। तुम्हें तो पता है ना, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। मैं समझ सकती हूँ गीत, और एक तरह से अच्छा भी है ना। वैसे भी बड़े बुजुर्गों को ना हॉस्पिटल या फिर भीड़भाड़ वाली जगह में आने से बचना ही चाहिए। वही मेडिसिन रख ली क्या सारी? हाँ, मेडिसिन रख ली, फाइल भी रख। अच्छा तो चले नायरा। यस, जल्दी ले चलो मुझे। चलो चलो चलो। अच्छा ये बैग मुझे दे। हाँ चलो 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 चलो। ना डरे ना डराएं, कोविड टीका जरूर लगाएं। अच्छा जी, छोड़ो अफवाह, लगवाएं वैक्सीन, आगे का कोरोना जिंदगी होगी हसीन। अरे भैया, मास्क पहन लीजिए। तुम मक्खन ही हो ना? और क्या भैया, अबे तो ढक्कन जैसी बातें क्यों कर रहे हो? कोरोना से डर के दुनिया अपना मुंह छुपाती होगी। जेके नहीं, कोई मास्क वास्क नहीं है। अरे भैया जी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ अलाउड नहीं है। और आजकल तो लोग फोटो खींच के ना सोशल मीडिया में डाल देते हैं, और वो आपकी सोशल मीडिया वाली मोहब्बत गीत, उसने आपकी ये फोटो देख ली थी। बसंती, मक्खन ढक्कन, मास्क है तुम लोगों के? मास्क दो। लगाओ हॉस्पिटल में आए हो यार, लगा रहे। इतनी तो अकल होनी चाहिए, सब कुछ हम ही समझाएंगे। भैया आपका मास्क है? हमारा मास्क तो हम पहनते ना, दो लाओ, मैं भी, हम भी पहनेंगे, लाओ। हमारे पास नहीं भैया एक्स्ट्रा मास्क। भैया ढक्कन जैसी बातें
लेकिन हम उतने भी ढक्कन नहीं लाए एक्स्ट्रा मास्क। ओहो ढक्कन सवा सवा बहुत तेज मारती है ये। विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान 180 करोड़ वैक्सीन। अरे बताओ यार हमने अभी वैक्सीन लगवाई नहीं है और 180 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी गई। अरे सुनो भैया ये बात सच है क्या 180 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है? कितने लोगों को वैक्सीन लगी है ये वो आंकड़ा नहीं है, कितना वैक्सीन लगा है वो आंकड़ा है जिसमें पहली दूसरी और बूस्टर डोज को भी गिना गया है। इंटेलिजेंट बॉय पता की बात कही कहां लड़की बोल लड़की कहां थी पूछते हैं ना इनसे। हां पूछते हैं मैडम जी एक लड़की थी मतलब ऑब्वियसली वो चमकीला चमकीला सा कपड़ा पहनी थी। बजट में ग्रैंड बर्थडे पार्टी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ आप सब लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को कम से कम 10,000 व्यूज करवाइए ना, वो भी 24 घंटे के अंदर। वो क्या है ना कि हमारे दुश्मन ने हमको चैलेंज दिया है, तो कमान आप सब लोगों के हाथ में ही है, तो जल्दी से जितवाइए हमें चैलेंज टू मेरे प्यारे गीत हार्ट लवर्स। गीत दीदी यहाँ पर आइए ना। हर बाद में से वीडियो बनाना होता है, हमसे मुकाबला भाई। अरे हमसे मुकाबला करने के लिए ना ऐसा अगला जन्म लेना पड़ेगा। यार ये सब छोड़ो, सुनो मम्मी जी अभी तक नहीं आई है और ना ही कॉल उठा रही है। मैंने मनमोहन जी मामा को भेजा था लेकिन आप लोगों को तो मालूम है वो कैसे है। तो एक काम करो ना आप दोनों देख कर आओ प्लीज। तुम एक काम करो भरो जब तक एक गिलास। ठीक है। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे घर में अकेली नायरा अचानक बीमार पड़ गई और विशु ने सही समय पर उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। इस बात पर गीत भी विशु से प्रभावित हो जाती है। मटुकनाथ और बटुकनाथ की लड़ाई से आपने क्या सीखा? सामाजिक दूरी के नियम से आप क्या समझते हैं? इस बारे में आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।